नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम आते हैं यहाँ पर, इसे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है कॉमा दे देता हूँ, फिर मोबाइल लिख लेता हूँ, फिर कॉमा दे। ये कॉमा इसलिए दे रहा हूँ जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, उसके उसको अगर आप अलग करना चाहते हो, बस करें मैं कंप्यूटर और मोबाइल को आगे अलग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक चीज जरूर देना पड़ेगा, या कॉमा हो या सेमी कॉलम या स्पेस या एट द रेट, जो भी आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं, मगर आप तो ये जो स्पेस या टेब जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप इसके जरिए से अलग कर सकते हो। मैं आता हूँ यहाँ पे फेसबुक या मैकबुक लिख लेता हूँ या कीबोर्ड, तो आते हैं इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये सिर्फ एक टेक्स्ट सॉरी एक सेल पर जो ये लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आए इसे इसे अगर इस तरह कर लेते, ये जो है एक सेल पर जो है मुकम्मल आए। अगर मैं चाहूँ ये जो है अलग अलग सेल पर आए, कंप्यूटर अलग सेल पर, उसके बाद क्या था मोबाइल या मैकबुक, यानी ये जितने भी मैंने लिखे ये अलग अलग सेल पर आए, तो इसके लिए मैंने डेटा टेप पर आना है। उसके बाद जो है टेक्स्ट टू कॉलम, ये आप देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने स्पेस के जरिए अलग करना है या कॉमा या सेमी कॉलन, तो आपने जो चीज भी वहां पर जो है टाइप किए यहाँ पर भी वही सेलेक्ट करना है। मैंने वहां पे जो है कॉमा जो है टाइप करना है टाइप किया है सॉरी, यहाँ पे जो है भी मैंने कॉमा सेलेक्ट, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट और फिनिश। अब देख सकते हैं कि ये जो है ये अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग सेल पर जो है वो आ चुके हैं।